स्टॉक मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन करेंगे, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सीरियल आइटम नेम क्वांटिटी रेट अमाउंट और ये हो गया मर्जन सेंटर परचेज सेल, इसको भी सिलेक्ट करेंगे मर्जन सेंटर और इन्हीं हेडिंग्स को कॉपी कंट्रोल सी और यहां पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है जी, जो वर्किंग एरिया होगा इधर मैं ड्रॉ इट कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सिलेक्शन के साथ, और जो वर्किंग एरिया है जहां तक हमें काम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। व्यू में जाकर यहां पर मैं जूम टू सिलेक्शन कर रहा हूं, यहां पर मैं मर्ज करूंगा इसको क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है जी, ऑल सेलेक्ट बॉर्डर्स, यहां से मर्ज एंड सेंटर। स्टॉक मैनेजमेंट ठीक है जी, स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अलाइनमेंट सेंटर, यहां से बोल्ड, यहां से इसको कलर कर लेते हैं और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से अलाइन सेंटर बोल्ड। ठीक है जी, इसको थोड़ा अलग अलग कलर क्रिएट करना है यहाँ पे, इसको मैं ये कर रहा हूँ क्लोजिंग, तो ये कर लेते हैं कलर। और यहां से इसको लाइट कलर कर लेते हैं कोई, और इसको मर्ज करेंगे कलर, इसका मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसको भी मर्ज करेंगे यहां से मर्ज, और दोनों को सिलेक्ट करेंगे अलाइन सेंटर। प्रॉफिट एंड लॉस को भी मर्ज कर लेते हैं यहां से। ठीक है जी, कलर इसका बल्कि व्हाइट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं यहां से, और इसके अलावा अब फर्स्ट हम यहां से एंट्री करेंगे 1 और 2, कंट्रोल दबा के नीचे क्लिक से हम ड्रैग कर लेते हैं इसको सीरियल और आइटम नेम में। सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स सील कर रहे हैं उसका नाम इंटर करेंगे, मिसाल के तौर पे लैपटॉप है, क्वांटिटी 25 है, रेट जो है वो 25,000 है, अमाउंट इक्वल रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है जी, अब इस हिसाब से अमाउंट आ गया और फिर ये आ गया हमारा परचेज का, इसको बोल्ड कर लें थोड़ा सा, उसके बाद यहां पर हमारी सेल क्वांटिटी हो गई मिसाल के तौर पे 15। इन सभी को अलाइन सेंटर करना है, यानी जो भी हम लिख रहे हैं सेंटर में है वैल्यू, यहां से अलाइन सेंटर कर लें। और इसके बाद जो है इसका रेट 25,000 परचेज है, तो हमारी 28,000 सेल वैल्यू होगी इसकी, प्रॉफिट रखकर थोड़ा हम सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, अमाउंट में आएंगे इक्वल, अब जो सेल हुआ है उसका रेट सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई क्वांटिटी सेल एंटर, तो ये हमारा अमाउंट सेल आ गया।
इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी के लिए जो रिमेनिंग यानी क्लोजिंग होगी, फर्स्ट क्वांटिटी परचेज माइनस सेल क्वांटिटी, तो जो क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट है वो आ जाएगी। इंटर और ड्रैग करेंगे इसको, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक देखने के लिए इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई जो परचेज किया हमने वो रेट सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। मैंने अमाउंट सिलेक्ट कर लिया, रेट सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। क्वांटिटी मल्टीप्लाई सिलेक्ट रेट, एंटर। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट वैल्यू है वो आ जाएगी, और सब फॉर्मूले ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है जी। ड्रैग में यानी जब बाद में एंट्री होंगी तो ऑटोमेटिक सबके हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ से इसे भी ट्रैक करेंगे, इसमें फॉर्मूला अमाउंट में इसको भी ट्रैक कर लेंगे। फर्स्ट जो अमाउंट आ रहा है इसको प्लस करेंगे सेल्स अमाउंट, और माइनस कर देंगे परचेज अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की जो अमाउंट है वो आ जाएगी हमारी इंटर और ट्रैक। अब इन सभी को हम 1000 सेपरेट फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, कॉमा क्लिक, सेम इस वैल्यू को भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कॉमा क्लिक, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कॉमा क्लिक। और ये जो कॉमा आ रहा है इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जीरो आ रहा है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इंक्रीज डेसिमल कर देते हैं, इसका फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। सीरियल को हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंट्री हम अपनी यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप माइक, क्वांटिटी आ गई 50, रेट आ गया 1500। अब देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया, सेल क्वांटिटी हमने 25 करी। अब सेल रेट 1500 की थी तो हमारी 2000 की सेल करी हमने। अब सेल अमाउंट आ गया, उसके बाद क्लोजिंग क्वांटिटी 25 हो गई, अमाउंट ये हो गया, प्रॉफिट हमारा ये हो गया इसका, ठीक है जी। एक दफा अब आपने ये कंप्लीट कर लिया, फॉर्मूले आपके लगे हुए हैं, सिर्फ आपको अब यहाँ पे नई एंट्री अपनी करनी है। मिसाल के तौर पे माउस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चलती रहेगी। 25 क्वांटिटी में परचेज किया, 500 की परचेज, टोटल अमाउंट ये हो गया इसका परचेज। उसके बाद हमने 10 इसकी सेल करी, 500 थी, 650 की सेल करी, ये हमारा अमाउंट आ गया। ये इसकी क्लोजिंग क्वांटिटी हो गई 25, 10 माइनस 15 रिमेनिंग 75 अमाउंट की क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अमाउंट आ गया, ठीक है जी। अब फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से जहां से जैसी अच्छी लगे उस हिसाब से और बेहतर आप अपनी कर सकते हैं। इसकी सेल स्टाइल में भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं फॉर्मेट करने के, यहां से भी आप बने बने फॉर्मेट अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी होगी फॉर्मेटिंग। देखिए जी, यहाँ तक का जो फॉर्मेट है वो आराम से आपको समझ में आ गया होगा, और शायद पहले भी इस तरह का फॉर्मेट आपने देखा हो मेरे चैनल पे या कहीं और भी। तो ये तो हो गया हमारा उसी वक्त का, एक दिन का काम कंप्लीट किया, क्लोज हो गया ये सारा। अब नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करना है तो उसको किस तरह करेंगे ये अब आगे देखिए आप, ठीक है जी। अब ये हमारा आज का हो गया, इसको मैं मजीद इंट्रीज के अंदर कर देता हूँ ताकि ये पूरी हमारी शीट फिल हो जाए। कीबोर्ड हो गया, और इसके अंदर हम और चीज़ें मजीद ऐड कर लेते हैं। एलईडी हो गई, रैम हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, हेडफोन हो गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम क्वांटिटी इंटर कर लेते हैं जल्दी से, कि यह हमारी ओपनिंग क्वांटिटी थी हेडफोन 20, और इसके साथ अब क्वांटिटी हम यहाँ पर जो रेट होंगे कीबोर्ड के वो 600, एलईडी जो है वो हमारी 35, और ये हो गई हमारी रैम 1500, हार्ड ड्राइव हो गई हमारी 1200, उसके हिसाब से सारे रेट आ रहे हैं हमारे पास, और ये हो गया हमारा 1250। अब इसको हमने 5 सेल किया, ऑटोमेटिक फार्मूला ड्रैग हुआ हुआ है, हम सिर्फ रेट इंटर करेंगे उसके हिसाब से हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सारी।
अब 600 की थी तो हमने 800 की सेल करी। इसके बाद 25 एलईडी ली, हमारी 5 सेल हो गई, और 35 की थी 4000 सेल आ गई। रैम हमारी 20 थी, हमारी 15 चली गई, 15 के साथ हमारा यहाँ पर फिफ्टीन हंड्रेड के साथ थी तो 1850। और यहाँ पर हमारे पास हार्ड ड्राइव 40 थी, हमने 10 सेल करी, 1200 थी, 1500 की इसका अमाउंट है किया। और फिर यहाँ हेडफोन थे हमारे, 3 सेल हो गए, 1250 का था 1500। अब ये क्लोजिंग हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर हमारी 17 रिमेनिंग क्वांटिटी है, ये हमारी आज की क्लोजिंग हो गई। नेक्स्ट डे की क्लोजिंग के लिए हम इसी को कॉपी करेंगे, मूव और कॉपी, यानी इसी शीट को अगले दिन कंटिन्यू करने के लिए मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डेट दे दी 1 सितंबर, ठीक है, ये अब डेली मेंटेन करना है, इसको डबल क्लिक करा मैंने, यहाँ पे आज की डेट दे दी 2 सितंबर। आप शॉर्ट में भी रख सकते हैं 1 2 3, इसको अरेंज किया मैंने, क्लिक करके ड्रैग, फर्स्ट पहले आ गई सितंबर, 2 बाद में आ गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इंसर्ट कॉलम परचेज की तरफ, ठीक है जी, इंसर्ट कॉलम, और यहां पर आ जाएगी करंट क्वांटिटी। ये दो कॉलम मैंने यहां पर ऐड कर दिए, इसको आप यहां से मर्ज कर लें, और यहां पर रिमेनिंग ओपनिंग कर लेते हैं, बल्कि यानी ओपनिंग जो कल हमारे पास बचा था वो हमें यहां पर ऐड करना है, ठीक है जी। और यहां से जो इसकी करंट कंडीशन आ रही है, ये क्वांटिटी आज की इंटर करेंगे, यहां पे इसको क्लोज कर दिया मैंने, ये नेक्स्ट प्रीवियस डे की कॉपी करी है शीट हमने, तो ये जो कल की क्वांटिटी थी वही लिखी हुई आ रही है, जिसको हमने क्लियर कर दिया। अब आज की जो होगी वो हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे अपडेट होगी है। और अभी ओपनिंग स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल कल वाली शीट पे गए क्लिक, और जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट सेल एंट्री थी इसको क्लिक करेंगे। देखिए जब शीट क्लिक करते हैं इक्वल के बाद, तो शीट का नाम आ जाता है सेल में, उसके बाद हमने यहाँ पे सेल क्लिक करा एंटर, तो अब ये कल वाली क्वांटिटी उठा ली आज के दिन इसने, ये सब कल हमारी क्लोजिंग हुई थी। अब क्लोजिंग के साथ हो सकता है कि टुडे परचेज किया हो कुछ आपने, यानी ये तो ओपनिंग थी, अब रीऑर्डर करा कि भाई आज की हमें सेल नहीं थी, तो करंट आज आपने परचेज करी, तो न्यू परचेज यानी आज की या टुडे परचेज कर ले, जो भी आपको समझ में आ जाए वो आप यहाँ पर एंटर कर ले, ठीक है जी। न्यू परचेज के हिसाब से जैसे आज आपने फिर इनके ऑर्डर करे, अभी 10 थी हमने, 25 थी हमने 10 और ले ली, 15 थी हमने 10 10 परचेज कर ली, ठीक है जी। अब ये 5 थी, इसको हमने 50 परचेज करी, ये 10 परचेज कर ली, और ये 10 हो गया मसला हल। अब देखें ये आज की है, ठीक है। अब आज में हमें इसमें क्या करना होगा, करंट क्वांटिटी यानी जो अब परचेज हमारी क्वांटिटी आ रही है टोटल, इसको मैं टोटल क्वांटिटी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। टोटल क्वांटिटी में आपको ओपनिंग और न्यू परचेज ये करना है। अब ये दोनों परचेज क्लिक हो गई, रेट वही है, ड्रैग कर लिया हमने, और यहाँ पे टोटल आ गया, अब ये रेट आ गया। अब आपको सेल करनी है, क्या सेल हो गई भाई, अब आज की 10 सेल हो गई आपकी, ठीक है जी। 25 में से 10 गई, 15 रिमेनिंग आ गई। अब उसके बाद क्या क्या सेल हुई है आपकी, 35 है, आपने 30 सेल कर दी, अमाउंट आ गया, 5 रिमेनिंग रह गई, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट भी देख लेंगे अभी हम। इसके अलावा ये 25 थी, 15 आ गई, ये आपकी 10 रिमेनिंग रह गई। उसके साथ ऑटोमेटिक सारा सिस्टम अब काम करता रहेगा, सिर्फ ये दो चेंजेस आपको करनी है इसके अंदर। इसके अलावा फिर जो आपकी सेल हो रही है आज की, उसकी रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो बस यहाँ पर आपको अब क्वांटिटी इंटर करनी है, सबका अमाउंट खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 55 है, इसको हमने 35 सेल कर दिया, 40 है, 20 सेल कर दिया, 27 है, इसको हमने 17 सेल कर दिया, ये सारी देखें रिमेनिंग ऑटोमेटिक आ गई हमारे पास। और इसको मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से व्यू में, जूम टू सिलेक्शन, हो गया। अब ये आज की क्लोजिंग हो गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू आ गई आपकी। अब इसके अंदर क्या होगा, ठीक है जी। अच्छा करंट एक दफा चेक कर लेते हैं, फॉर्मूले हमारे डिस्टर्ब तो नहीं हुए, बिल्कुल सही है,
ठीक है जी, ये फॉर्मूले उसी तरह से है हमारे। अब ये हो गया, इसको बस सेकंड डे वाली शीट को राइट के लिए अगले दिन आपको यही करना है, मूव और कॉपी क्रिएट अ कॉपी, और फिर इसको एडिट कर देंगे। अब यहाँ पर डेट आ जाएगी 3, ठीक है, जिसको अरेंज कर लें यहाँ पे। और इसकी जगह अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट शीट वाली सितंबर की आ रही है, इधर या तो आप डेट 2 कर दें, ठीक है जी, या 2 नहीं करें, वही इक्वल कर लें और सेकंड शीट में जाए, यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी आ रही है ये सिलेक्ट करें और इंटर, ये आज की फिर ओपनिंग क्वांटिटी हो गई, ड्रैग कर लें। अब ये आपको न्यू परचेज यहाँ से हटाना है, आज के हिसाब से अगर परचेज करेंगे तो फिर वो आप इधर इंटर करेंगे और यहाँ से आपको सेल क्वांटिटी हटानी है, ये दो काम आपको करने हैं बस। फिर अगर आप आज कोई खास प्रोडक्ट सिर्फ परचेज कर रहे हैं, हो सकता है सब चीजें परचेज ना करें, तो सिर्फ वही एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट अभी है तो हमने परचेज नहीं करी, जो कम थी वो हमने कर ली। अब उसके बाद सेल क्वांटिटी में यहाँ पर आ जाएंगे, अब 15 है, सेल हमने 10 कर दी तो हमारी 5 रिमेनिंग रहेंगे आज की, लेकिन कोई परचेजिंग ये नहीं करी हमने, तो उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ गई। अब जैसे 15 है तो हमने 15 ही सेल कर दी सारी, तो हो गया हमारा अमाउंट जीरो, हो गया क्वांटिटी, यानी 15 थी 15 सेल हो गई। अब अगले दिन हमें इसको लाजमी परचेज करना है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है जी। अब ये 5 थी, अब ये जो है 5 थी तो सेल क्वांटिटी भी हमने, अच्छा 5 नहीं थी, 35 सेल कर दी, 25 और 35 रिमेनिंग रह गई हमारी। अब मिसाल के तौर पर हमने 35 की 35 सेल कर दी, 40 सॉरी 40 की रिमेनिंग थी, 40 सेल कर दी पूरी, ये 40 टोटल क्वांटिटी थी, तो ये भी जीरो हो गया हमारा, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब उस हिसाब से ये टोटल क्वांटिटी 30 है, हमने 15 करी, 15 रिमेनिंग रह गई, उसके अलावा ये 20 थी तो अब 10 सेल हो गई, तो 10 रिमेनिंग रह गई उसका प्रॉफिट। अब इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है, 35 थी 20, 35 में से 20 गई, 15 रह गई, उसका प्रॉफिट उसके हिसाब से आ रहा है। फिर ये 20 थी, 20 में था हमारी 5, फिर उसके बाद यहाँ पर 20 थी, यहाँ पर 10, उसके बाद 10 थी यहाँ पे 2। तो इस तरह सिर्फ 2 से 3 स्टेप आपको करने हैं इसमें कॉलम ऐड करके, फिर डेली जो आप कॉपी करेंगे मूव और कॉपी शीट, उसमें से आपको सिर्फ यहाँ पे न्यू परचेज क्लियर करना है और सेल की क्वांटिटी क्लियर करनी है, बाकी आप नॉर्मल अपनी टाइपिंग डेटा एंट्री करें, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी क्लोजिंग में सारी। तो हर शीट पूरी आप कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए और स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, फिर आपसे ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने शायद सर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे, और जो सीखना चाहते हैं, जिनके समझते हैं हेल्प होगी, उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई कमेंट हो तो अपनी फीडबैक से जरूर आगा किया करें। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।